लिखते हैं 11 नंबर दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई में 2a माइनस का आयोटा इक्वल टू में एक्स प्लस का आयोटा वाई। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा ये बताना है। इनके कंजुगेट ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे, ये तो कांस्टेंट है इसका कंजुगेट यही रह जाएगा। नीचे वाला का कंजुगेट हो जाएगा 2a प्लस का आयोटा इक्वल टू में एक्स माइनस का आयोटा वाई। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई में 2a माइनस का आयोटा और इंटू में ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई में यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस का आयोटा, 2a प्लस का आयोटा इक्वल टू में x प्लस का आयोटा वाई और इंटू में x माइनस का आयोटा वाई। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, देखिए तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 बाई में नीचे देखिए हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ एक्स का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे तो प्लस में ही आएगा लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 बाई में 4a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे है ना जी, इसका माइनस 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है, ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर इसका आंसर होगा।